नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्यनारायण व्रत कथा का रहस्य। यह कथा नारद और विष्णु के संवाद से आरंभ होती है। नारद जी मनुष्य शोक के निवासियों को अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त देखकर उन्हें दुख से छुड़ाने के लिए भगवान से उपाय पूछते हैं। भगवान नारद जी की उपाय के रूप में सत्यनारायण व्रत का व्रत बताते हैं। जिस दिन सत्यनारायण का व्रत लिया जाता है उस दिन पवित्रतापूर्वक व्रत उपवास रखकर उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुरुजन ब्राह्मण देवता भगवान की प्रतिमा अग्नि वरुण आदि का आवाहन स्थापना इसलिए किया जाता है कि इन श्रेष्ठ संताओं की उपस्थिति में साक्षी में जो प्रतिज्ञा की जा रही है उसके पालन में अधिक दृढ़ता और लोक लाज रहे और जब भी व्रत भंग का अवसर आवे तब यह ध्यान तुरंत ही उठ जावे कि जो प्रतिज्ञा इतने देवताओं और सत्पुरुषों के सामने की गई थी उसे तोड़ना मेरे लिए लज्जा की बात होगी। बार बार सत्यनारायण की कथा इसीलिए कहलाई जाती है कि कालांतर में प्रतिज्ञा का प्रभाव मस्तिष्क में से हटने लगता है। लोग पुरानी प्रतिज्ञा को स्मरण कर देते हैं, इसलिए बार बार वह प्रण करने से मनोभूमि का पुनर्जन्म जागरण होता रहता है और चित्त पर हर बार नया संस्कार जम जम कर सत्य पालन की उस विचारधारा के धीरे धीरे अधिक परिपुष्ट करता रहता है। इसलिए जीवन में अनेकों बार जल्दी जल्दी सत्यनारायण के व्रत का उत्सव कराने की परंपरा चली आ रही है। कई आदमी इस वास्तविकता को समझकर ऐसा भय करेंगे कि हमारा जीवन अभी असत्यपूर्ण है और वर्तमान परिस्थितियों में हम पूर्ण और सत्यनिष्ठ हो भी नहीं सकते। ऐसी दशा में सत्यनारायण का उत्सव कराना या कथा कहलाना निरर्थक होगा। ऐसा शंका करने वाले सज्जनों को समझना चाहिए कि जैसे नीचे की ओर तेजी से बहते हुए पानी के आगे अगर बांध खड़ा न किया जाए तो पानी किस प्रकार रुक सकेगा। बांध कई बार टूट भी जाता है, उस टूट फूट की दुरुस्ती बराबर की जाती रहती है और पानी थोड़ा बहुत निकल भी जाए तो भी अधिकांश तो रुका ही रहता है। इसी प्रकार व्रत नए लेने वाले की अपेक्षा व्रत लेने वाला अपेक्षा कर सत्य का पालन अधिक ही कर लेता है और जितना कुछ भी सत्य के समीप रहता है उतना तो पुण्य फल के द्वारा मिलने वाला आनंदों को प्राप्त कर ही लेता है। इसलिए सत्य व्रत करना ही चाहिए। हमें सप्ताह में एक व्रत तो रखना ही चाहिए। सत्य का व्रत लेने की आवश्यकता ही इसलिए है कि हमारा आज का जीवन अधिकांश में असत्य ग्रस्त है। असत्य एक रोग है, व्रत एक दवा है। व्रत रूपी औषधि सेवन करते रहने से धीरे धीरे सत्य रूपी निरोगता प्राप्त होती है। पूर्ण तो एक परमात्मा है, मनुष्य सभी अपूर्ण है। इस अपूर्णता को दूर करके पूर्णता को प्राप्त करने का जो प्रयत्न है उसे ही साधन या व्रत कहते हैं। किसी बात का व्रत लेने से निश्चय करने से ही तो उस ओर प्रगति होती है। फेल हो जाने के भय से स्कूल में भर्ती न होना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस प्रकार व्रत टूट गया तो कैसा होगा, इस भय से व्रत ही न लेना कोई उचित कारण नहीं है। अगर व्रत टूट जाता है तो हम ये सोचते हैं कि फिर हमारे पास तो पता नहीं अब आज क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं है, व्रत टूट गया, जैसे स्कूल फेल हो गए तो हम स्कूल में भर्ती लेना नहीं छोड़ सकते। भर्ती लेंगे, बार बार ट्राई करेंगे तो पास भी हो जाएंगे। वैसे अगर एक बार व्रत टूटा है कोई बात नहीं, दोबारा दूसरे दिन व्रत करेंगे, जब भी व्रत करते हैं वो नहीं टूटेगा, हमारी याद रहेगा कि आज हमारा व्रत है। हमारा बाह्य एवं भीतरी जीवन सच्चाई से भरा हुआ हो, उसमें प्रेम पवित्रता निष्कपटता ईमानदारी उदारता त्याग पुरुषार्थ सरलता और सादगी की प्रधानता रहे, यह सत्यनारायण का पथ है। यही समस्त सुख शांतियों का मूल मंत्र है। इस पथ पर चलने का संकल्प करने का ही दूसरा नाम सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत धार्मिक परंपराओं के अनुसार जब किया जाता है तो और भी उत्तम होता है। सत्यनारायण व्रत कथा का यही रहस्य है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।